आज मैंने दिल्ली सरकार की पूरी तैयारियों का जायज़ा लिया था पॉल्यूशन से निपटने का, क्योंकि सर्दी जैसे जैसे आ रही है ये प्रॉब्लम, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम और अक्यूट होती चली जाएगी। तो सरकार कुछ तो बहुत जो रेगुलर स्टेप्स लेती है उनको और एग्रेसिव तरीके से लेने की ज़रूरत है। कुछ इनोवेटिव तरीके, जैसे पिछली बार ऑडोविन जैसी चीज़ रखी थी, वैसी कुछ चीज़ें कुछ इनोवेटिव तरीके से करने की ज़रूरत है। बट लार्जली जो हम काम कर रहे हैं रूटीन में पॉल्यूशन से लड़ने के लिए या एंटी पॉल्यूशन के ड्राइव्स हैं उनको और एग्रेसिव तरीके से चलाने की ज़रूरत है। तो आज पूरी सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट, जितने भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, सबको बुलाया था मैंने और उसकी एक तरह से प्रिपरेटरी मीटिंग बुलाई। तो दो तीन चीज़ें तय हुई वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। एक तो MCD तो अपना काम करती है रोड क्लीनिंग के लिए और उन सब के लिए जितना करती है। पिछली बार रोड क्लीनिंग के लिए जो PWD की रोड्स हैं उनका वैक्यूम क्लीनिंग शुरू हुई थी, वो रेनी सीजन में बंद हो गई। उसके बाद कुछ टेक्निकल रीजन रहे टेंडर वगैरह के, उस वजह से वो दोबारा नहीं शुरू हो पाई। तो उनको आज डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप रोड क्लीन, जो वैक्यूम क्लीनिंग का काम था पिछले बार की तरह फिर से शुरू कर दीजिए ताकि रोड्स साफ़ रहें। डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में उड़ते हैं, ट्रैफिक का अपना पॉल्यूशन का वो है, धुएं का पॉल्यूशन है, लेकिन साथ साथ डस्ट का भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये रिपोर्ट्स सारी बताती हैं, कानपुर की रिपोर्ट्स भी बताती है, बाकी भी बताती हैं। तो डस्ट मेजर हिस्सा है, उसको किसी तरह से हमें कंट्रोल करना है। तो पहला स्टेप तो यह है कि जो वैक्यूम क्लीनिंग है PWD को कहा है कि दोबारा से इसको रिवाइज करके कर लें और शुरू कर दें, तो 2 हफ्ते में फिर से चालू हो जाएगी वैक्यूम क्लीनिंग PWD की सड़कों की। दूसरा, एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जो कई देशों में होती है, स्प्रिंकलिंग करते हैं सड़कों पे, थोड़ा पानी छिड़कते हैं जेट लगा के टैंकर से। तो वो जेट का इस्तेमाल करके सड़कों पे स्प्रिंकलिंग की जाएगी वाटर की, जिससे कि डस्ट पार्टिकल्स बैठ जाएं, वो साइड होके और ड्रेन में चले जाएं, ड्रेन से फिर रेगुलर उनके आगे बहा के ले जाएगा ताकि सड़क पे ना रुके। तो ये हर हफ्ते एक बार की जाएगी। इसका पूरा प्लान PWD को बनाने को कहा गया है और PWD ने कमिट किया है कि अगले 2 हफ्ते में वो भी सारा शुरू कर देंगे, सारी सड़कों पे स्प्रिंकलिंग, PWD की सड़कों पे स्प्रिंकलिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो ये भी वीकली शेड्यूल बनेगा इसका, हर सड़क को हफ्ते में एक बार एक तरह से धोया जाएगा। धोने के बाद में वो सड़क पे धूल और उसके, क्योंकि एक तो सड़क पे धूल जमती है और सड़क के किनारे वाली जो धूल है तो वो साफ़ हो जाएगी। तो एक बार उसका वैक्यूम क्लीनिंग से सफाई होगी, स्प्रिंकलिंग से सफाई होगी, तो काफ़ी डस्ट पार्टिकल्स कम होने की उससे उम्मीद है। तीसरा, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के पास में जो रिकॉर्ड्स हैं उनके हिसाब से पूरी दिल्ली में 61 ऐसे साइट्स हैं जो बड़े साइट्स हैं। उन 61 साइट्स पे तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट रेगुलर चेक रखता है, वहाँ उनके जो कंस्ट्रक्शन लॉ हैं इन ऑर्डर टू पॉल्यूशन उन सब पर चेक रखता है। लेकिन उसके अलावा बहुत छोटे छोटे हैं जो गलियों में हैं, रेगुलर इरेगुलर कॉलोनीज़ में हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ में कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है दिल्ली में। उसकी वजह से बहुत पॉल्यूशन है क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो नहीं होते। तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को कहा है कि इसको पूरा देखे और पब्लिक को उसमें इन्वॉल्व करे, नॉर्म्स के बारे में, रूल्स के बारे में, कंस्ट्रक्शन के वक्त पॉल्यूशन कंट्रोल करने के क्या रूल्स हैं, डस्ट कंट्रोल कैसे होगा, इसको लेके क्या रूल्स हैं। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट उसको पब्लिसाइज करेगा लोगों तक और लोगों से शिकायत मंगाएंगे। जो हमने ऐप पिछली बार बनाया था कूड़े के लिए, लोगों से शिकायत मंगाएंगे कि आपके आसपास अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई धूल उड़ रही है, उसने कवर किया हुआ है, कवर नहीं किया हुआ ठीक से, खुले में उसने कंस्ट्रक्शन मटेरियल डाला हुआ है, या डेमोल्यूशन हो रहा है, अब कोई मकान डेमोल्यूशन किया जा रहा है उसमें लगातार धूल उड़ रही है, लोग शिकायत कर सकेंगे ऐप से और उसके बेस पर फिर वहाँ टीम जाके उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो लोगों की शिकायत पर कार्रवाई हो सकेगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि 90% ऑफ द डस्ट पॉल्यूशन इज कमिंग फ्रॉम सच कंस्ट्रक्शंस, जो कंस्ट्रक्शन साइट से आने वाला डस्ट पॉल्यूशन है। तो इसमें ऐप को लेके लोगों की शिकायत दी जाएंगी। एक जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए उसने 2 चीज़ें पहले ही बता दी हैं आप लोगों को, मैं बस रिपीट कर देता हूँ। मिस्ट फाउंटेन बनाने के लिए दिल्ली में पायलट बेस पर मिस्ट फाउंटेन बनाए जाएंगे। मिस्ट फाउंटेन
का आपको बताया होगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से कि जिस जगह बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है वहाँ मिस्ट क्रिएट करके उसके पार्टिकल्स को नीचे लाया जाता है, जिससे किसी एक ट्रैफिक चौराहे पर अगर कहीं बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन एरिया जैसे ITO जैसी जगह हैं या आनंद विहार जैसी जगह हैं, वहाँ अगर मिस्ट फाउंटेन लगाएंगे तो मिस्ट फाउंटेन की वजह से वहाँ पॉल्यूशन का लेवल कम आएगा, कम होगा। उसके उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं PM 2.5 और PM 10 दोनों उसमें उसके साथ पानी के साथ नीचे आएंगे, मिस्ट की वजह से नीचे जाएंगे वो। और इसी तरह से एयर प्योरीफायर वो बता चुके हैं। एक और फैसला लिया कि जो दिल्ली में करीब 75 क्रीमेशन ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर हम सब लोग आस्था की वजह से अपनी मान्यताओं के साथ साथ में वहाँ लकड़ी से अंतिम संस्कार करते हैं, लकड़ी का यूज़ करके, उसकी वजह से काफ़ी पॉल्यूशन है। और उस पॉल्यूशन को अब आस्था की वजह से और मान्यताओं की वजह से हम उसको नहीं बंद कर रहे, लेकिन हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर चिमनियाँ लगा के उसको कंट्रोल कर सकते हैं पॉल्यूशन को, तो स्मोक टैप्स लगा के, तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट MCD के साथ कोऑर्डिनेट करके पूरी दिल्ली के शमशान घाटों को ग्रीन क्रिमेशन में बदलेगा, कि हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर स्मोक टैपर लगाए जाएंगे और MCD से वो कोऑर्डिनेट करके लगाए जाएंगे, क्योंकि MCD उसकी सारे शमशान घाटों की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, लेकिन क्योंकि पॉल्यूशन रोकना पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का काम है, इसलिए पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को काम दिया गया है कि आप MCD से कोऑर्डिनेट करके सारी जगह ये लगा दीजिए, क्योंकि 2-3 को छोड़ के सारे इनसाइड द कॉलोनीज हैं, उनके आसपास आबादी बहुत है जो शमशान घाट हैं, तो वहाँ जैसे ही कोई बर्निंग होती है तो तुरंत पॉल्यूशन फैलता है वहाँ पे। वहीं स्मोक को टैप करके उसको टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी लगाई जाएंगी उसमें। लैंडफिल साइट्स को लेके मैंने एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को कहा है कि अगले कुछ दिन, क्योंकि उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों के मेजर से वहाँ आग में कमी आई है, एक जो टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि मीथेन इधर उधर से लीकेज होती रहती है डंप में से और वो जलती है वहाँ, तो मीथेन को ओपन छोड़ने की जगह अगर हम उसको ड्रिल कर दें और ड्रिल से पाइप के जरिए मीथेन को बाहर निकाल लें और उसको ओपन एयर बर्निंग करें, तो सिर्फ कंट्रोल्ड बर्निंग होगी, वो अभी पूरे कूड़े में आग लगती है और बहुत धुआं फैलता है, फिर वो कंट्रोल्ड मीथेन बर्निंग होगी जो कि बहुत छोटे उस पे लेवल पे प्रॉब्लम करेगी। उसका एक एक्सपेरिमेंट गाजीपुर में चल रहा है और इन्होंने मलबा वगैरह डालने का MCD ने काम शुरू किया है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगले 5 दिन रोज़ाना की रिपोर्ट मेरे को बना के दें कि कितना कम आ रहा है बर्निंग अगर वहाँ हो रही है लैंडफिल साइट्स पे, तो अगले 5 दिन रेगुलर रोज़ाना शाम को मेरे टेबल पे एक रिपोर्ट आनी चाहिए उनकी तरफ से कि कल बर्निंग में कितनी कमी आई, क्या स्टेटस रहा तीनों चारों लैंडफिल साइट्स का, तीनों खासतौर से ओखला, भलसवा और गाजीपुर का। एक और इशू आया था कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जैसे गाजीपुर है, आनंद विहार है, इसके दूसरी तरफ हरियाणा में या गाजियाबाद में यानी UP में, वहाँ ऑटो बहुत खड़े होते हैं, 400-500 ऑटो खड़े रहते हैं और उनमें से 100-200 ऑटो हमेशा ऑन रहते हैं, उनका इग्निशन ऑन रहता है, उनकी वजह से बॉर्डर एरियाज़ में बहुत पॉल्यूशन है। आप किसी भी ऐसे एंट्री पॉइंट पर जाइए जहाँ दिल्ली में एंट्री पॉइंट है, वहाँ कंजेशन, सेफ्टी मेजर्स की तो प्रॉब्लम है ही है, इसकी भी प्रॉब्लम है। तो 4 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है केंद्र सरकार के साथ में, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने बुलाई है, उसमें हम इस चीज़ को रखेंगे कि स्टेट्स की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को कहें कि ये बॉर्डर्स को रेगुलेट करें, वहाँ जो इलीगल तरीके से चल रहे ऑटो हैं उनको कंट्रोल करें, ताकि वहाँ 100-200 ऑटो एक साथ इग्नाइट होकर इग्निशन ऑन करके नहीं खड़े रहें, इतना पॉल्यूशन वहाँ पर फैल रहा है। और इसी वजह से आनंद विहार में एक वजह वो भी है कि करीब 500 के करीब ऑटो वहाँ किसी भी समय में खड़े होते हैं, उनमें से 200-250 ऑटो इग्निशन ऑन के साथ खड़े होते हैं, और बाकी रेगुलर ट्रैफिक और बस अड्डे की वजह से तो जो है सो है ही है। ये कुछ डिसीजन लिए हैं और इसमें हर हफ्ते इसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में रिव्यू होगा, ये सारी चीज़ों पर जितनी चीज़ें मैंने कही इनका रिव्यू, और भी कोई प्रॉब्लम आती है और भी कोई नया डेवलपमेंट होता है तो पॉल्यूशन को लेके गवर्नमेंट अब काफ़ी प्रिवेंटिव और अलर्ट उसमें है, हर हफ्ते इसको रिव्यू करेंगे कि क्या जो ये डिसीजन लिए गए इन पर क्या क्या हुआ, आगे और कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी कदम उठाएंगे।